Hey guys, what's up? I'm back with another new career mode episode. आज मैं फिर से career mode खेलने वाला हूँ दिल्ली के साथ जो मैच चल रहा था पिछली वाली मैच पे आधा खेला था ये वाला मैच पे आधा खेलने वाला हूँ पिछली वाली मैच का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा यू कैन चेक एंड मुझे एक कमेंट मिला था भाई जो भी मैच खेल रहे हो एक वीडियो में पूरा मैच खेला करो नहीं तो याद नहीं रहता तो आज से मेरा कोशिश करियर मोड के अंदर यही रहेगा भाई एक ही वीडियो पे पूरा मैच खेलने का ठीक है तो ये वाला मैच तो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाला मैच भी अगर स्टार्ट करेंगे तो वो भी पूरा खेलेंगे तो सेकेंड इनिंग्स का पहला बॉल अपने तरफ से जो एज लग के निकल जाएगा चार रन बाउंड्री के बाहर भाई जिंदगी खराब है हमारा एज लगने के बाद चौका ही जाता है गाइस हो सकता है पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइस आए क्योंकि बाहर ना बहुत तेज तूफान चल रहा है तो उसका साउंड आ सकता है एंड यहाँ पर 145 का लीड दे चुका है दिल्ली चार बॉल पे मैंने चार रन दिया एंड मुझे यहाँ पर चाहिए विकेट दैट्स ग्रेट बॉल बट डॉट रहेगा पिछली इनिंग्स पे मैंने रन नहीं बना पाया था तो ये वाला इनिंग्स पे मुझे रन भी बनाना है जल्दी से जल्दी इन लोगों को आउट करना पड़ेगा क्योंकि 151 का लीड ऑलरेडी लोग दे चुका है अगर और भी ज्यादा लीड देगा तो हमारे टीम के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है पिछली इनिंग्स में मैं दो बेहतरीन विकेट लिया था इस वाली इनिंग्स पे भी एक विकेट मिल जाएगा मजा आ जाएगा मैंने दो ओवर के बाद अपने आप को हटा लिया था एंड ऑलरेडी 167 रन बन चुका है सिर्फ एक ही विकेट गिरा है आउटसाइड अंपायर हाइट फैक्टर हो जाएगा लेकिन बहुत बढ़िया बॉल था एंड अभी लग रहा है मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि विकेट तो कोई बाकी कोई बॉलर नहीं ले पा रहा है ना सख्त विकेट की जरूरत है इस टाइम पे गुड बॉलिंग लास्ट बॉल डॉट हो जाएगा तो मिडन हो सकता है लेकिन विकेट हो जाए तो और भी बढ़िया हो जाता बट यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्लिक लगा दिया मिड विकेट में एंड दैट्स विल बी फोर रन या दैट्स विल बी नहीं दैट्स इज फोर रन पहला बॉल यहाँ पर नेक्स्ट ओवर का अबे यार इधर से शॉट लगा रहा है एंड वो भी चौका मार रहा है शॉट लगा रहा है तो ठीक है भाई चौका जा रहा है इधर फील्डिंग मांगता है अपन को अब थोड़ा सा फील्डिंग तो चेंज कर लिया अब क्या होगा पता नहीं बट गुड बॉलिंग लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर ओए लवली मैंने चार ओवर गेंदबाजी किया खास कुछ कर नहीं पाया 18 रन भी दे चुका हूँ अभी भी दो ओवर गेंदबाजी करके देखूंगा मतलब 6 ओवर टोटल गेंदबाजी करूंगा अगर विकेट मिले तो बढ़िया नहीं तो अपने आपको पूरा हटा लूंगा बाकी के दो बॉल भी डॉट दे तो मजा आ जाएगा लेकिन ये जो भाई इधर मैं फिर भी फील्डिंग लगाना भूल गया फिर से एंड इधर से एक साला चार रन मार दिया ओके सोलंकी अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है नाइस शॉट टिल्डन मैंने फिर भी उधर नहीं लगाया बट एंगल यहाँ पर बनाने की कोशिश क्या आउट देगा आई थिंक पिचिंग लेग साइड से बाहर आउट साइड द लेग स्टंप पिचिंग हुआ है तो नॉट आउट कैन बॉल इस ओवर का शॉट मैन अंदर आता हुआ बॉल बहुत प्यारा टाइमिंग किया एंड यहाँ पर चार रन बहुत प्यारा चौका दिल्ली ने बहुत ज्यादा रन बना लिया यहाँ से मैच जितना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है विकेट अगर धराधार यहाँ पर गिर जाए तो अलग बात है मैं यहाँ पर फिर से बॉलिंग करने आ चुका हूँ क्योंकि टीम का हालत बहुत ही खराब है भाई 104 ओवर तो बॉलिंग हम लोग कर चुके हैं 404 रन ऑलरेडी बना चुका है ये लोग वो भी चार विकेट के नुकसान पे मतलब इन लोगों के पास अभी भी बहुत ज़्यादा विकेट है एंड नीतीश राणा भाई 84 पे बैटिंग कर रहा है एंड यहाँ पर मेरा स्वागत यहाँ पर चौका मार के किया बंदा सेटिंग होकर बैटिंग कर रहा है भाई पूरा सेट हो चुका है बंदा मुझे लग रहा है यहाँ पर हम लोग दिल्ली को ऑल आउट नहीं कर पाएंगे दिल्ली हमारे ऊपर तरस करके डिक्लेयर कर देगा कब डिक्लेयर करेगा आई डोंट नो ऑलरेडी 491 का लीड दे चुका है भाई साहब कोशिश करते रहे देखते हैं क्या होता है कैच इट यार इतना बढ़िया एज लगा था नीतीश राणा चला जाता थोड़ा सा आगे आ जाओ बंदे एज तो मैंने लगाया था बट ये लोग बहुत पीछे था ना इसीलिए कैच नहीं कर पाया एंड यहाँ पर एक रन मिलेगा सेकेंड बॉल ऑफ द ओवर गुड शॉट यार ब्यूटीफुल ड्राइव यार ये मेरा ओपोनेंट है मेरे खिलाफ मारा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बट ये सच में बहुत प्यारा ड्राइव था दिल्ली यहाँ पर 502 रन का लीड दे चुका है हम लोगों को और भाई क्या चाहिए बहुत कम लीड है भाई और भी रन बनाओ 92 पे बैटिंग कर रहा है नीतीश राणा अगर नीतीश राणा को आउट कर दूं तो भाई मजा आ जाएगा सेकंड बॉल ऑफ द ओवर गुड शॉट ओ भाई बहुत प्यारा शॉट चार रन 96 पे पहुंचता हुआ नीतीश राणा इसी के साथ नीतीश राणा एंड ललित यादव दोनों बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं ये भी अच्छा शॉट फील्डर है नीतीश राणा का यहाँ पर सेंचुरी हो चुका है दैट्स गुड एंड ललित यादव भी अच्छा खेल रहा है 56 पे बैटिंग कर रहा है दिल्ली वालों अब तो डिक्लेयर कर दो बहुत ज्यादा रन बना लिए हो भाई ओए ग्रेट बॉल अब पता नहीं हम इस वाली बैटिंग पिच का फायदा उठा पाएंगे फोर्थ इनिंग्स पे या नहीं पाएंगे एंड यहाँ पर डॉट बॉल ओके यहाँ पर मुझे बैटिंग मिल चुका है एंड 14 ओवर 5 बॉल पे ऑलरेडी 58 पे 2 विकेट गिर चुका है नीतीश राणा इसी ओवर पे 2 विकेट लिया गजब बेइज्जती है रे नीतीश राणा भाई 2 विकेट ले रहा है हद है यार 634 का टारगेट है माय गॉड दिल्ली सेकंड इनिंग्स पे डिक्लेयर कर दिया 550 रन बना के एंड मोहम्मद शमी 7 विकेट लिया 9 विकेट गिरा था उनमें से 7 विकेट मोहम्मद शमी अकेला लिया नीतीश राणा 163 नॉट आउट ओके एंड डे 3 चल रहा है बंगाल को मैच जीतने के लिए अभी भी 575 रन चाहिए अगर ये वाला मैच जीत जाऊंगा ना हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा हुई भाई का टर्न मिल रहा है बाय द वे 3 विकेट भी गिर चुका है हद है यार
ये वाला मैच कम से कम ड्रॉ कराने की पूरा कोशिश तो मैं करने वाला हूँ। फोर्थ इनिंग्स पे इतना चेस आई थिंक कभी नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। ये तो भाई आउट नहीं है यार, बहुत ही ज्यादा टर्न मिल रहा है। मैंने सोचा था बैटिंग पिच बन जाएगा बट इतना टर्न मिलेगा कौन सोचा था। के कुंद्रा आया है पहला बॉल, बहुत प्यारा शॉट यहाँ पर। भाई स्पिनर के खिलाफ रन मेरे से तो बनने वाला है नहीं, तो फास्ट बॉलर के खिलाफ ऐसे ड्राइव लगा लगा के मुझे रन बनाना है। एंड यहाँ पर ब्यूटीफुल सा चार रन। तीसरा बॉल है इस ओवर का, ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव यार, इतना बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव लगाने का फायदा क्या जब सिर्फ एक ही रन मिलेगा। फास्ट बॉलर को खेलना फिर भी इजी हो रहा है बट स्पिनर को खेलने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। बोलना नहीं चाहिए फास्ट बॉलर को खेलने में इजी हो रहा है, मैं बोला था भाई फास्ट बॉलर को खेलने में इजी हो रहा था, भाई बोल्ड हो गया भाई। क्लीन बोल्ड। यहाँ पर हम लोग बहुत ही बुरी तरह हार चुके हैं। नीतीश रैना प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है। दिल्ली भाई 464 रन से मैच जीता है। बंगाल सेकंड इनिंग्स पे सिर्फ 169 रन बनाया। भाई मैंने दोनों इनिंग्स पे बैटिंग ठीक से नहीं कर पाया। फर्स्ट इनिंग्स पे मैंने दो विकेट दिया था, सेकंड इनिंग्स पे वो भी नहीं ले पाया। नेक्स्ट मैच यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं लास्ट मैच पे बहुत ही बुरी तरह हारा था तो ये वाला मैच पे मैं धमाल मचाने की पूरा कोशिश करूंगा। लेट्स गो बंगाल ऑन द टॉस। भाई इस बार तो पहले बैटिंग लेंगे, बॉलिंग नहीं लेंगे। पिछली बार बॉलिंग लिया था, बहुत बुरी तरह हारा था। मुझे यहाँ पर बैटिंग मिल चुका है 63/2 एंड मैं एंड एडविन बैटिंग कर रहा हूँ। ओके गुड डिफेंस। ओवर बाकी है इस ओवर में। गुड शॉट यार, मिड विकेट पे बहुत प्यारा शॉट लगाया। चौका तो नहीं जाने वाला है क्योंकि दिस इज टेस्ट मैच एंड टेस्ट मैच का आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो रहता है। कुछ कुछ ग्राउंड का तेज रहता है वो अलग बात है। एंड यहाँ पर दो रन मिलता हुआ। तो यहाँ पर रंगनथन गेंदबाजी कर रहा है, रंगनथन द अश्विन का भाई, क्योंकि इसका एक्शन अश्विन जैसा है ना, तो छोटा अश्विन, इसका नाम आज से छोटा अश्विन है। एंड छोटा अश्विन का लास्ट बॉल, गुड शॉट, गैप पे भी है एंड यहाँ पर चार रन भी मिलेगा मेरे को। छोटा अश्विन को मैंने चौका मार दिया। 6 रन पे बैटिंग कर रहा हूँ, 7 बॉल पे, गुड शॉट, अनदर ब्यूटीफुल शॉट मिड विकेट पे। अब स्पिनर को मिड विकेट पे ही खेलना पड़ेगा मुझे। SBI का भाई स्पॉन्सर चल रहा है, देखो ग्राउंड पे ACC सीमेंट। अगर कोई भी कंपनी ऐसे ग्राउंड पे अपना स्पॉन्सरशिप कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा सोशल मीडिया हैंडल एंड ईमेल ID भी दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं करवा दूंगा ठीक है कुछ इंतजाम ग्राउंड पे स्पॉन्सरशिप का। चलिए यार 2 बॉल बाकी है। भाई साहब मैं तो उधर ले स्क्वायर कट मारने की कोशिश किया बट इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, एज लगा। 5 बॉल पे एक भी रन नहीं बनाया एंड 6th बॉल पे भी डॉट बॉल, तो मेडन ओवर। यहाँ पर 6 रन यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट बंगाल का, वो भी 2 विकेट के नुकसान पे, दैट्स वेरी गुड। अभी तो 100 रन है, इस 100 को 200 में, उसके बाद 300 पे, उसके बाद 400 पे तब्दील करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी अपन के ऊपर है। 4th बॉल है इस ओवर का, बढ़िया स्विप शॉट तो नहीं बोलने वाला हो क्योंकि उतना बढ़िया टाइमिंग नहीं हुआ, चौका मिलने वाला भी नहीं है बट भाग के तो 3 रन ले ही लेंगे। नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत प्यारा शॉट लगाया यहाँ पर। भाई पहला बॉल था इस ओवर का, भाई क्या स्क्वायर कट लगा एकदम मस्त सा, 4 रन। 20 रन पे पहुंच चुका हूँ 23 बॉल पे, एज लगा था बट फिर भी गैप पे है। नाइस 2 रन तो मिल जाएगा, चौका मिल जा, कम ऑन, चौका नहीं मिलेगा, 2 रन। 4th बॉल ऑफ दिस ओवर, ब्यूटीफुल ड्राइव यार, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव एंड दैट्स 4 रन्स। इसी के साथ 50 रन का पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो गया। भाई तू इस साइड से क्यों आया है, बहुत प्यारा स्वीप शॉट यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तू इस साइड से गेंदबाजी कर, मैं तेरे को स्वीप लगाऊंगा। 30 बॉल पे 31 पे बैटिंग कर रहा हूँ, अच्छा खासा बैटिंग तो मैं कर रहा हूँ। एंड इसी के बीच में और एक बेहतरीन सा स्वीप शॉट जो चौका की तरफ जा तो रहा है लेकिन बीच मैदान पे रुक गया बॉल। आंध्र प्रदेश की तरफ से अच्छा फील्ड सेटअप यहाँ पर देखने को मिला है एंड यहाँ पर डॉट बॉल। वैसे सबसे अच्छी बात यहाँ पर एडविन भी अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है, ओके एच लगा था, स्लिप भी मौजूद था बट फिर भी आज अपन लाख स्कोजी पहन के आया है तो इसलिए अपना लाख पहन के ही आया है, इसीलिए भाई कैच आउट नहीं हुआ। 36 पे बैटिंग कर लो, 50 के करीब तो हूँ तो यहाँ पर 50 बनाना तो बनता है। बढ़िया ड्राइव यार, बहुत ही प्यारा ड्राइव एंड दैट्स 4 रन्स, गुड शॉट। देखो 10 रन चाहिए 50 बनाने के लिए, ठीक है ज्यादा डिफेंस वगैरह करूंगा तो ज्यादा रिक्स बन सकता है, तो इसी वाली ओवर पे 2 छक्का या 1 चौका 1 छक्का मार के कर लेते हैं भाई 50, ज्यादा रिक्स लेने का नहीं, ज्यादा रिक्स लेंगे तो भाई ऐसे धकपक धकपक होता है मेरा हार्ट। भाई 2 चौका चाहिए 50 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है लेट्स गो। बहुत प्यारा स्ट्रेट ड्राइव एंड दैट्स 4 रन, भाई क्या सही शॉट लगाया, क्या बहुत प्यारा शॉट लगाया भाई। 46 पे तो पहुंच चुका हूं और 1 चौका, अरे भाई शॉट पे उतना खास टाइमिंग तो नहीं हुआ, कड़ी भी मामला भाई, क्या लग गया भाई, लग गया लग गया लग गया, पहुंच नहीं पाया भाई, इतना बढ़िया खेल रहा था, रिक्स रन आउट की क्या भाई, रिक्स क्यों लिया मैंने जिंदगी में, जिंदगी अपुन का भाई
सो सैड। बढ़िया बैटिंग कर रहा था एंड 46 पे रन आउट हो गया बेचारा। बॉलिंग मिल चुका है यहाँ पर, ओके तीन विकेट ऑलरेडी गिर चुका है आंध्र प्रदेश का। गुड बॉलिंग एंड डॉट बॉल यार, अच्छा खासा बैटिंग कर रहा था, 50 तो बना ही सकते थे, बट यार वो रन की क्या जरूरत था मुझे खुद भी पता नहीं, रन आउट हो गया बेचारा मेरा बंदा। चौथी बॉल ईश्वर का, क्या शॉट लगाया भाई, बहुत प्यारा शॉट, चार रन। दूसरा ओवर मिल चुका है, ओए भाई अनदर बैकफुट कवर ड्राइव, ये वाला बंदा मेरे को बैकफुट पे बहुत प्यारा प्यारा कवर ड्राइव लगा रहा है, ये भी चार रन। लेकिन कोई ना, देखते हैं कितनी देर तक ऐसे बैकफुट पे कवर ड्राइव लगा पाता है, एक ना एक बॉल तो भाई मिस करेगा, बोल्ड हो जाएगा। जितना लगा सकता है लगा ले अभी बैकफुट पे कवर ड्राइव। अरे बॉय डैम ग्रेट बॉल, एज्ड हैंड फोर रन, मस्त गेंदबाजी कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। मजा तो भाई बैट्समैन को भी आ रहा है क्योंकि वो रन भी बना रहा है, मेरे को भी मजा आ रहा है, बैट्समैन को भी मजा आ रहा है, और क्या चाहिए भाई, ऑडियंस को भी मजा आ रहा है। लास्ट बॉल शोवर का, कैच इट, अरे यार कोई स्लिप नहीं है। अभी भी इन लोगों को 69 रन चाहिए, तो जल्दी जल्दी विकेट लेना पड़ेगा भाई। तू उधर लेटे क्यों गए भाई, पहले बॉल को देख, ध्यान से बॉल को देख, उसके बाद लेटना। चलो फोर्थ बॉल ऑफ द शोवर, गुड शॉट भाई, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, ये वाला बंदा मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा रन बना रहा है। बैटिंग तो मिल चुका है एंड 11 पे दो विकेट उड़ भी चुका है भाई साहब, वो भी चार ओवर पे, एंड सिर्फ 32 रन का लीड दिया है हम लोगों ने। फुल टॉस बॉल तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, वैसे अभी आया हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन फुल टॉस बॉल कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चार रन इसीलिए। अगर मैच जीतना है तो कम से कम 300 रन का तो टारगेट देना पड़ेगा, 37 रन का सिर्फ लीड दिया है, इसको ज्यादा करके 300, कम से कम 300। दो बॉल बाकी है इस ओवर में, इनसाइड एज्ड एंड फोर रन्स, ओके लक शॉट दिया। सिट्टी आ चुका है चौथी बॉल, बहुत स्लो बॉल कर रहा है बे सिट्टी, सिट्टी को थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्लो बॉल कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड करके देन मारना पड़ेगा। एंड यहाँ पर बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, ये तो भाई चौका डेफिनेटली। लास्ट बॉल है शोभर का, उई आउट है भाई, टप्पा का गया था पहले, विकेट कीपर से पहले टप्पा का गया था मैंने जितना देखा था, ये बहुत स्लो बॉल कर रहा था भाई, टाइमिंग करने में इसलिए दिक्कत हो रहा था। इनसाइड एज, अरे नाइस कैच शिखर भरा था यार, 8 बॉल पे 12 रन बना पाया सिर्फ। 66 पे दो विकेट गिर चुका है, स्कोर कार्ड का क्या सीन है भाई, दोनों विकेट मोहम्मद शामी ने लिया, ओके भाई 105 पे उड़ गया बंगाल का सेकेंड इनिंग्स, 60 रन चाहिए सिर्फ मैच जीतने के लिए, मैंने बोला था 300-350 का टारगेट देना पड़ेगा, ये तो भाई 105 पे उड़ गया बंगाल, क्या गुंडा बनेगा तू, 127 का टारगेट दिया है, वाह भाई वाह, तीन मैंने बोला था 300 का, कम से कम 150 रन बना लेते। ये मेरा रणजी ट्रॉफी का दूसरा मैच है एज ए कैप्टन, एंड पिछली मैच बहुत बुरी तरह हम लोगों ने हारे थे, ये वाला मैच भी लग तो रहा है बहुत बुरी तरह ही हारने वाले हैं, तो मेरे को क्या कैप्टनसी से रिजाइन दे देना चाहिए, अब बताओ कमेंट पे। ब्रदर गुड शॉट भाई, गैप पे भी लगाया, हिब्बर ने बेहतरीन शॉट लगाया, दैट्स विल बी 4 रन्स यार, दैट इज 4 रन्स। अगर यहाँ से कुछ मिराकल वगैरह हो जाए ना तब हम मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज कतई पॉसिबल ही नहीं है भाई। बहुत प्यारा शॉट लगाया यहाँ पर हिब्बर, मिड विकेट में पीछे फील्डर तो भाग रहा है बट फील्डर के पास कोई मौका नहीं है, एंड यहाँ पर 4 रन नाइस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कैप्टनसी कर रहा है तो हारेंगे क्या ही करेंगे। वैसे CPL पे भी मैं कैप्टन था, वहाँ पर भी हमारा टीम बहुत ही बुरी तरह हारा था, यहाँ पर भी मैं कैप्टन हूँ, यहाँ पर भी अभी तो भाई दो मैच चल रहा है, दिस इज द सेकेंड मैच, एंड पहला मैच तो बहुत बुरी तरह हारा था एंड सेकेंड मैच पे भी बुरी तरह ही हारने वाला हूँ, तो मतलब मैं साला कैप्टनसी डिजर्व ही नहीं करता हूँ। कमेंट सेक्शन पे आप लोग जरूर बताना मेरे को कैप्टनसी छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू करता रहना चाहिए। चार विकेट गिर चुका है 122 पे, एंड कैच इट यार भाई, अनदर विकेट गिर सकता था बट फिर भी एज का 4 रन। अब मैच जीतने के लिए तो सिर्फ एक ही रन चाहिए, कांग्रेचुलेशन टू मी क्योंकि ये मेरा दूसरा हार है रणजी ट्रॉफी के अंदर एज अ कैप्टन। ओ भाई साहब, इतनी गंदा परफॉर्मेंस के बावजूद यहाँ पर इंडिया के लिए ऑफर आ चुका है, ओके अफगानिस्तान टूर ODI सीरीज, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज पे भाई साहब इंडिया की तरफ से ऑफर आ चुका है, ऑब्वियसली भाई हम तो एक्सेप्ट करेंगे भाई। इंडियन टीम के साथ यहाँ पर मेरा मुलाकात हो रहा है, ओ भाई साहब, ईशान शर्मा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ओए होए होए, मजा आ जाएगा भाई। मेरा भाई एज ए कैप्टनसी तो परफॉर्मेंस गंदा था बट एज ए प्लेयर मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, इसीलिए तो रोहित के साथ भाई हैंडशेक, नाइस रोहित भाई, सीराज पुजारा तो भाई भाव दे दे पुजारा,
देखा केएल राहुल के हाथ हमारे कंधे पे। अफगानिस्तान के साथ मैच होने में अभी भी टाइम है, उससे पहले रणजी का अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना रणजी पे मेरे को कैप्टनशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैप्टनशिप का रिकॉर्ड मेरा भले ही खराब हो लेकिन मेरा एज ए प्लेयर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक तो है, इसीलिए भाई मौका मिला है वो भी अफगानिस्तान वाला टूर पे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेफिनेटली बेल वाला बटन दबा देना एंड कमेंट करके बताओ कैप्टनशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।